बात करेंगे इस वीडियो में IVM कंपनी के जॉब वैकेंसीज़ की ऑन द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट में बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर बात करें जॉब के डिस्क्रिप्शन की, तो एट IVM वर्क इज़ मोर देन अ जॉब। एज अ रिस्क एंड कंप्लायंस एनालिस्ट यू विल बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल टीम ऑफ फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट वर्किंग ऑन KYC एंड AML प्रोसेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ग्लोबल बैंक्स, राइट। योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी एज रिस्क एज एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नो योर कस्टमर यानी कि KYC क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यू विल बी ड्राइविंग ग्रेट कस्टमर आउटकम्स एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ वेलिडेटिंग KYC इन्फॉर्मेशन एंड कैप्चरिंग एनी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर ऑल इन्फॉर्मेशन हेल्ड इज अप टू डेट एंड पॉलिसी कंप्लायंट। यू विल बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन शिफ्ट, आपको यहाँ पर जो वर्किंग है आपको शिफ्ट में भी रह सकती है क्योंकि आपको इंटरनेशनल कंपनी है, राइट। बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इंटरोगेट इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम टू गैदर इन्फॉर्मेशन टू वैलिडेट नो योर कस्टमर। आपको यहाँ पर जो KYC की जो डिटेल है उसको आपको वैलिडेट करनी है, आपको इंटरोगेट करनी है सही है या नहीं है, राइट। बात करें रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की यानी एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम आपको यहाँ पर 0 to 1 ईयर यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अप टू एक्सपीरियंस 1 ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसमें, नो योर कस्टमर, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, आपको इसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज इन US UK रेगुलेटरी पॉलिसीज़, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजैक्शन डेटा एनालिसिस, आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सीलेंट इंग्लिश राइटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, आपकी इंग्लिश की जो राइटिंग है स्पीकिंग वो अच्छी होनी चाहिए। गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सो जो भी कैंडिडेट के पास ये एक्सपीरियंस है ये एक्सपर्टीज़ है, अगर आप फ्रेशर है एक्सपीरियंस पर्सन आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इसमें आपकी एक इंटरव्यू होगी। फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन यू कैन चेक आउट दिस PDF। इस PDF में आपको टॉप 50 HR इंटरव्यू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आपको 3 से 4 सैम्पल आंसर है। आप उस आंसर को पढ़िए, जो भी आंसर आपको सूटेबल लगे आप उसको इंटरव्यू में बोलिए, आपकी इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगी। इस PDF को उस ढंग से बनाया गया है एंड ये PDF आपको हर कंपनी के इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हर कंपनी में आपको HR इंटरव्यू होता है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अप्लाई करने की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।